दोस्तों नमस्कार, कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जुलाई मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ मैं उपस्थित हूँ। यह करंट अफेयर सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन अवश्य दबाएँ ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं जुलाई मंथ का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई को हम किस दिवस मनाते हैं? उसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है SBI स्थापना दिवस, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर विधान चंद राय दिवस। तो सभी दिवस को मनाया जाता है। जो SBI का स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है जो डॉक्टर विधान चंद राय जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे उन्हीं के सम्मान में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है K. नटराजन को। इनका पूरा नाम है कृष्णा स्वामी नटराजन और भारत का जो तटीय सीमा की कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी का परीक्षण किस क्षेत्र में किया जा रहा है? इसका आंसर जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं रेल क्षेत्र में किया जा रहा है और त्रिनेत्र तकनीक से चालक को धुंध में भी रेलगाड़ी में रेल मार्ग में मौजूद बाधा का पता लग सकता है। ठीक है, प्रायः आप देखते होंगे कि जब धुंध हो गया, कोहरा आ गया तो गाड़ी है जो लेट से चलती है, जबकि त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी की मदद से ड्राइवर को गाड़ी परिचालन करने में सरलता होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नासा का ड्रैगन फ्लाई स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह का कौन सा उपग्रह पर जीवन की खोज करेगा? इसका आंसर टाइटन, और टाइटन है जो शनि ग्रह का उपग्रह है और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में विशेष गैंडा सुरक्षा बल को तैनात किया गया है? तो इसका आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है और यह गैंडा सुरक्षा बल है जो अवैध शिकारियों से मुकाबला करेगा और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सिंह वाले गैंडा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो उसका आंसर है अंबाती रायडू, और अंबाती रायडू हैं जो आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष तक केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा व्यय को GDP का 2.5% करेगा? इसका सही आंसर 2025 तक, और GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और GDP का अर्थ होता है एक साल में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवा का बाजार मूल्य। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कहां पर 34वीं नौकायान चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है हैदराबाद में, और उद्देश्य है इस 34वीं नौकायान चैंपियनशिप को हैदराबाद को विश्व पटल पे स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 9, जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो आंसर है उड़ीसा, और जगन्नाथ जो रथ यात्रा है वो भगवान विष्णु का रथ यात्रा होता है जो कि विश्व प्रसिद्ध है और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस उद्योगपति का निधन हुआ? इसका आंसर BK बिरला, और BK बिरला सेंचुरी टेक्सटाइल के अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र सरकार किस राज्य के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की सरकार पश्चिम बंगाल को बांग्ला रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था जो कि केंद्र सरकार नामंजूर कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 12, नासा के पंच मिशन के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को सह अन्वेषक चुना गया? तो इसका आंसर है दीपांकर बनर्जी। और दीपांकर बनर्जी वर्तमान में भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के वैज्ञानिक हैं। और ये जो पंच मिशन जो कार्यक्रम नासा का है, उसमें पंच मिशन में सूर्य की बाहरी परत का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 2019 का ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड किसे दिया जाएगा? इसका आंसर अजिम प्रेम जी एवं अजय बंगा। अजिम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन हैं, जबकि अजय बंगा है जो मास्टर कार्ड का सीईओ है। और यह अवार्ड है जो यूएसए एवं इंडिया के बीच आर्थिक संबंध को मजबूत करने के लिए दिया जाता है, ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 14, किसे यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर है उर्सुला बोन डर लेन। इन्हें जो यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने समुद्री मार्ग से यात्री एवं कार्गो सेवा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है मालदीव। और मालदीव है जो एशिया का सबसे छोटा देश है और इसकी राजधानी माले है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत के वर्किंग आवर 5.8% का नुकसान होगा, यह किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रिपोर्ट में कहा गया है? इसका आंसर है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी आप कह सकते हैं। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक गर्मी के कारण कार्य करना कठिन होगा और उत्पादकता घटेगी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला डिजाइन विकास केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है सूरत। और जो डिजाइन विकास केंद्र है जो फैशनोवा टेक्सटाइल के नाम से खोला गया है, और डिजाइन विकास केंद्र खुलने से फैशन डिजाइन को और बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में, जो कि 6.6 किलोमीटर लंबी सुरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से किसे लाभ मिलेगा? तो इसका आंसर है असंगठित क्षेत्र के कामगार को। और इसमें 60 साल के उम्र के बाद 3000 का मासिक पेंशन भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान प्राप्त किया? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। और ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स है जो भारत के नीति आयोग जारी करता है, और इस सूचकांक में राज्य को कृषि मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। मतलब जो राज्य है जो कृषि मार्केटिंग को बढ़ावा देता है, उसी आधार पे रैंकिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में इराक के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? इसका आंसर है बेबीलोन। और बेबीलोन है जो हैंगिंग गार्डन के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22, महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, ठीक है। और अमेरिका ने चौथी बार महिला फुटबॉल विश्व कप जीता। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बाइसिकल को ही हम लोग साइकिल भी बोलते हैं शेयरिंग स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का कौन सा राज्य 21वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मेजबानी किया? तो इसका आंसर है उड़ीसा। और यह प्रतियोगिता है जो 17 से 22 जुलाई तक किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में चुना गया या नियुक्त किया गया? इसका आंसर है राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
अकादमी में क्रिकेट से संबंधित सभी गतिविधियों के देखभाल करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन के रेसलिंग ग्रांड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर है विनेश पोगट एवं दिव्या काकराना, दोनों हैं जो महिला खिलाड़ी हैं और इन्होंने स्पेन में रेसलिंग ग्रांड प्रिक्स जीता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, उत्कर्ष 2022 भारत के किस संस्था ने जारी किया? तो यह जारी किया है RBI, RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो उत्कर्ष 2022 है उसका उद्देश्य है विनिमय एवं पर्यवेक्षण में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 28, सभी पाकिस्तानी वस्तुओं पर भारत कितना प्रतिशत शुल्क लगाएगा? इसका आंसर है 200%। और हाल ही में भारत है जो पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लिया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, समर यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की कौन सी महिला धावक स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर है दुती चंद उड़ीसा के निवासी हैं और इन्होंने इटली में समर यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन हुआ था इसमें स्वर्ण पदक जीती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ऑपरेशन थ्रस्ट किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है RPF, RPF का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 31, 11 जुलाई को किस दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है विश्व जनसंख्या दिवस से, और जनसंख्या इसका उद्देश्य है जनसंख्या से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस है जो मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, किसे DGCA का महानिदेशक नियुक्त किया गया? इसका आंसर है अरुण कुमार हैं जो हरियाणा कैडर के IAS ऑफिसर हैं, और DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और DGCA का जो मुख्य कार्य है नागरिक विमानन के क्षेत्र में रेगुलेटरी संस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, 2019 वीमेन स्टार्टअप समिट का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर है केरल में है जो किया गया है, केरल में वीमेन स्टार्टअप समिट 2000 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, किस कोयला प्लांट को सौर पार्क में बदला जाएगा? तो इसका आंसर है राजघाट थर्मल पावर प्लांट, और इसकी घोषणा है जो दिल्ली सरकार ने की है, और दिल्ली सरकार ने बताया है कि राजघाट थर्मल पावर प्लांट है उसे है जो सौर पार्क में बदल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत ने इजराइल से कौन सा मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दिया है? तो मिसाइल का नाम है स्पाइक, और स्पाइक मिसाइल अपनी सटीकता के लिए या भेदन क्षमता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 36, किस अधिनियम में बच्चों के यौन शोषण अपराध में मृत्यु दंड है? तो इसका सही आंसर है पॉक्सो। क्वेश्चन नंबर 37, 19वें राष्ट्रमंडल विदेश मंत्री की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो जो 19वें राष्ट्रमंडल जो विदेश मंत्री की बैठक है जो लंदन में संपन्न हुआ है, और भारत की ओर से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव कौन हैं? इसका सही आंसर है विकास स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 39, SICC में किस भारतीयों को न्यायाधीश नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है AK सिक्री, और SICC का फुल फॉर्म होता है सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट, और AK सिक्री हैं जो भारत के पूर्व न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 40, संगीत नाटक अकादमी ने 2018 के लिए किस तबला वादक को अकादमी रत्न श्रेणी में चुना गया है? इसका सही आंसर है जाकिर हुसैन जो कि भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, इन्हें संगीत नाटक अकादमी ने एक तरह से तबला वादक के क्षेत्र में अकादमी रत्न
पुरस्कार से सम्मानित करेगा। क्वेश्चन नंबर 41, गुरु नानक विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखा गया? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। और जैसा कि आप जानते होंगे कि गुरु नानक का जन्म है जो पाकिस्तान के ननकाना साहब में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, जल संरक्षण सुनिश्चित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है मेघालय। और मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा देश राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस का खिताब जीता? तो भारत है जो इंग्लैंड को हराकर राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस का खिताब है जो जीता। क्वेश्चन नंबर 44, किस महिला खिलाड़ी ने विंबलडन का खिताब जीता? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विंबलडन खिलाड़ी में जो महिला खिलाड़ी है जो खिताब जीता है, उनका नाम है सिमोना हालेप। क्वेश्चन नंबर 45, किस पुरुष खिलाड़ी ने विंबलडन का खिताब जीता? तो महिला में जैसा कि आप जान रहे हैं सिमोना हालेप, और पुरुष में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और नोवाक जोकोविच हैं जो विंबलडन का खिताब जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कारगिल द अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द बार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है रचना बिष्ट रावत। ठीक है, ये महिला लेखिका हैं और इन्होंने कारगिल द अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द बार के लेखक भी हैं, और इस पुस्तक में भारतीय बहादुर सैनिक की अनकही कहानी का चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 47, निजी नौकरियों में 75% आरक्षण देने वाला पहला राज्य? तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम हैं बीएस जगनमोहन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 48, डिफेंस एक्सपो 2020 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर है लखनऊ। और डिफेंस एक्सपो 2020 का जो मुख्य विषय है, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। क्वेश्चन नंबर 49, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा चंद्रयान अभियान का क्या नाम है? तो उसका चंद्रमा अभियान का क्या नाम है? इसका नाम है चंद्रयान 2। भारत है जो चंद्रमा अभियान या चंद्रयान 1 भी लॉन्च किया था, और वह 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया, जबकि चंद्रयान जो 2 है वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। और चंद्रयान 2 के जरिए भारत है जो चंद्रमा की सतह पे कौन सा तत्व एवं खनिज एवं पानी ये सब को उपलब्धता की जांच करेगा। क्वेश्चन नंबर 50, संगीत अकादमी के संगीता कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इसका आंसर है गायिका एस सोमैया को संगीता कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और पुरस्कार है जो संगीत अकादमी देगा। और जो एस सोमैया हैं जो भारत के तमिलनाडु से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 51, किसे MTNL का नया प्रमुख बनाया गया? इसका आंसर सुनील कुमार। MTNL का फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और जो सुनील कुमार हैं वो PK पुरवार से पदभार ग्रहण किए और MTNL में आए, जबकि PK पुरवार हैं जो BSNL के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 52, फॉर्चून ग्लोबल सूची में किस भारतीय कंपनी को शीर्ष स्थान मिला? इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को मिला, और वर्तमान में रिलायंस का जो रैंकिंग है वो 106 है, और जो विश्व में पहला जो रैंक है वो है जो वॉलमार्ट है जो अमेरिका की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 53, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 जुलाई, और जो कारगिल का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच वो 1999 में हुआ था, और 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक चला था, और 26 जुलाई को भारतीय सैनिक है जो विजय हासिल किया था, उसी सम्मान में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54,
फायर एंड फ्यूरी वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह। और इस पुस्तक में भारतीय सेना की समृद्ध विरासत लोकाचार का चर्चा है, जबकि भारत में थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन सा भारतीय खिलाड़ी प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है विराट कोहली। और ICC टेस्ट रैंकिंग टीम में प्रथम स्थान पे भारत है। क्वेश्चन नंबर 56, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो इसका आंसर है बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन है जो ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, 6 भारतीय राज्य में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम, राज्य के साथ राज्यपाल का क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश में नए राज्यपाल आए हैं और वो हैं लालजी टंडन। दूसरा आप उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल आ गए हैं। तीसरा पश्चिम बंगाल में जगदीप धनखड़े आए हैं। चौथा नागालैंड में RN रवि। पांचवा त्रिपुरा में रमेश बैस। और छठा बिहार में फागु चौहान। क्वेश्चन नंबर 58, 58 में कर्नाटक के नए CM कौन बने? तो BS येदुरप्पा बने, ठीक है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और वहां के राज्यपाल बजूभाई बाला। और कुमार स्वामी का इस्तीफा होने के बाद BJP के तरफ से BS येदुरप्पा को मुख्यमंत्री कर्नाटक का बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, GST दिवस कब मनाया जाता है? तो GST दिवस है जो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और GST लाने का मकसद है कि GST जो कर है वो सरल है, पारदर्शी है एवं टेक्नोलॉजी चलित कर है। क्वेश्चन नंबर 61, UGC ने भारत में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? इसका आंसर है स्ट्राइड योजना UGC के द्वारा शुरुआत किया गया है और इसका उद्देश्य है युवा प्रतिभा की पहचान करना एवं अनुसंधान संस्कृति को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 62, तमिलनाडु ने किस तितली को राज्य तितली घोषित किया है? इसका आंसर है तमिल योमन तितली। ऐसे तमिल योमन का अर्थ होता है योद्धा और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और वहां के वर्तमान CM हैं AK पलानी स्वामी। क्वेश्चन नंबर 63, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब किया जाएगा? इसका आंसर है 1 जुलाई 2020 को। और इसका उद्देश्य है गरीब श्रमिक देश के किसी भी राशन की दुकान से सस्ते चावल एवं गेहूं खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ICC हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। इससे पहले कपिल देव, सुनील गावस्कर इत्यादि को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, ISSF विश्व कप 2020 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है भारत। ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 66, किस देश के क्रिकेट टीम को ICC ने निलंबित किया? तो ICC ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को निलंबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र 962 दिनों के निरंतर संचालन का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? तो जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कैगा प्लांट, कैगा है जो भारत के कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 68, ICP में किस भारतीय को आमंत्रित किया गया? इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर समीर रावत को। और ICP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी। और ICP है जो मनोवैज्ञानिकी की दुनिया में सबसे ही प्रतिष्ठित एवं बड़ी संस्था है। क्वेश्चन नंबर 69, BSF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है BK
जौहरी को नियुक्त किया गया है और बीके जौहरी पहले रा के अधिकारी थे और बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में किस पूर्व सीएम का निधन हो गया? तो आंसर है ड्रोन कुमार राय, और ड्रोन कुमार राय हैं जो मेघालय के सीएम थे। क्वेश्चन नंबर 71, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है गुवाहाटी में। अभी केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं जो किरण रिजिजू हैं। क्वेश्चन नंबर 72, किस खिलाड़ी ने जर्मन ग्रांड प्रिक्स जीता? इसका आंसर है मैक्स बेरेस्ता पेन, और मैक्स बेरेस्ता पेन हैं जो जर्मन ग्रांड प्रिक्स जीते हैं और इनका टीम का नाम है रेड बुल। क्वेश्चन नंबर 73, गीता जयंती महोत्सव भारत के किस राज्य में होता है? तो ये भारत के हरियाणा राज्य में होता है और हरियाणा में कुरुक्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे भगवान कृष्ण है जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को पूरा गीता है जो बताए थे, गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे और जगह का नाम है हरियाणा का कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, और हेपेटाइटिस एक प्रकार का रोग है जो कि यकृत को लीवर को प्रभावित करता है, और 28 जुलाई जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है उसके पीछे कारण है डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है, और डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग हेपेटाइटिस बी का खोज किए थे और साथ ही साथ इसका टीका भी विकसित किए थे। क्वेश्चन नंबर 75, पाकलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है गिरीश बापट को। पाकलन समिति है जो संसद का वित्तीय समिति है, और भारत के जो संसद के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला, और ओम बिरला ही ने गिरीश बापट को पाकलन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 76, कहाँ पांचवा धर्मधम सम्मेलन हुआ? इसका आंसर है राजगीर। क्वेश्चन नंबर 77, सातवीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये भारत के उड़ीसा, और उड़ीसा के गुवाहाटी शहर से सातवीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत किया जा रहा है, और जो आर्थिक जनगणना है प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, रसगुल्ला मिठाई को GI टैग किस राज्य को मिला? तो इसका आंसर है उड़ीसा, और GI का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। और जो रसगुल्ला मिला है उसके पीछे कारण है विश्व प्रसिद्ध पूरी जगन्नाथ से रसगुल्ला मिठाई है जो जुड़ा हुआ है, और पूरी जगन्नाथ का मंदिर है जो उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 79, लोक सेवा भवन किस सचिवालय का नया नाम है? तो उड़ीसा सचिवालय का नया नाम है लोक सेवा भवन। क्वेश्चन नंबर 80, मनुष्य तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो मनुष्य तस्करी के खिलाफ विश्व तस्करी दिवस है जो मनुष्य तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस है जो 30 जुलाई को मनाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मिस डेफ वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है विदिशा बाल्यान, और विदिशा बाल्यान है जो मिस डेफ वर्ल्ड 2019 का खिताब जीती है, और विदिशा बाल्यान भारत के उत्तर प्रदेश की है। थैंक यू फ्रेंड।